हेलो फ्रेंड्स, आरजे ऑटोटेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राहुल। आज मेरे पास एक गाड़ी है, आया है किया सेल्टोस 2024 मॉडल। इसमें कस्टमर का कंसर्न है जब गाड़ी को फर्स्ट गियर में इंगेज कर रहे और गाड़ी को फॉरवर्ड करने के टाइम गाड़ी में से एक वाइब्रेशन हो रहा है। तो ये वाइब्रेशन क्यों हो रहा है, मैं आगे इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये इसमें मैंने इस गाड़ी को चला के देखा, जब फर्स्ट गियर में इसका जब फॉरवर्ड कर रहे वो गाड़ी में से एक वाइब्रेशन निकल रहा है। और 30, 40 या 50 किलोमीटर स्पीड में इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं मिला हम लोगों को। जब फर्स्ट गियर से शुरुआत करते हैं हम लोग तो इसमें वाइब्रेशन हो रहा है। तो ये जो हम लोगों का एक डाउट था, इसमें शायद क्लच प्लेट इसका बर्न हो गया है। तो अभी जो इस गाड़ी में मैंने इसका जो क्लच प्लेट है ये चेंज कर दिया, तो प्रॉब्लम तो मेरा शॉर्ट आउट हो गया है। इसका जो प्रॉब्लम था सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मेरा ये वीडियो है। तो ये क्लच प्लेट बर्न होने का ज़्यादातर रीज़न क्या रहता है, तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इसमें जो प्रॉब्लम मिला मेरे को, जो डाउट था, इस कंडीशन में मैंने इसका जो गियर बॉक्स है इसको डाउन करके इसमें चेक किया था। तो मेरा जो डाउट था इसका क्लच प्लेट शायद मेरे को ऐसे डाउट था इसका क्लच प्लेट शायद बर्न हो चुका है। तो मैंने जो डाउट था ये डाउट क्लियर करने के लिए इसका क्लच प्लेट मैंने डाउन किया। उसके बाद देखा इसका जो क्लच प्लेट रहता है इसका एक साइड का पूरा जल गया था क्लच प्लेट। तो इस गाड़ी में मैंने बाद में इसका जो क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट था इसमें मैंने चेंज किया इस गाड़ी का। तो आगे मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा इसका जो क्लच प्लेट कैसे चेंज करना है किया सेल्टोस 2024 मॉडल में। तो आगे वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे चेंज करना है इसको। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं जो क्लच प्लेट है इसको कैसे चेंज करना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो हम लोगों का मैनुअल ट्रांसमिशन है ये हम लोगों ने खोलना स्टार्ट कर दिया। तो खोलने से पहले आप वीडियो में देख सकते हैं हम क्या क्या पार्ट को खोलना पड़ता है मैनुअल ट्रांसमिशन को डाउन करने के लिए। यहाँ पे हम लोगों को ECM और जो बैटरी और बैटरी का नीचे जो प्लेट रहता है ये सब वगैरह खोलना पड़ता है। और जो हम लोगों को जो एक्सल शाफ्ट रहता है, जो डाइशाफ्ट बोलते हैं, इसको खोलने के लिए जो नट रहता है डाइशाफ्ट का, उसका पहले लॉक खोलना पड़ता है, उसके बाद नट को खोला जाता है। यहाँ पे हम लोग गाड़ी को ऊपर उठा रहे, ऊपर उठाने के बाद जो नीचे का अंडर कवर रहता है उसको भी खोलना पड़ेगा। इसमें बोल्ट और क्लिप वगैरह रहता है, इसको खोल रहे हैं हम लोग। तो अंडर कवर खोलने के बाद पहले आप लोगों को जो ट्रांसमिशन वॉल रहता है इसको ड्रेन करना पड़ेगा, और उसके बाद जो हम लोगों का एक्सल शाफ्ट रहता है जो ड्राइशाफ्ट, उसके बाद खोला जाता है। तो डाइशाफ्ट को खोलने के लिए हम लोगों का जो लोअर आर्म रहता है उसका नट खोलना, लोअर आर्म को खोलना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क जो बर्न हुआ था तो पूरा जल गया है डिस्क इसका। तो लोअर आर्म हम लोग खोल रहे हैं, देखिए हम लोगों का जो डाइशाफ्ट है ये खोल गया। अभी जो ट्रांसमिशन से डाइशाफ्ट को हम लोग अलग करेंगे। डाइशाफ्ट हम लोगों का खोल गया। अभी जो ट्रांसमिशन का जो राउंड बोल्ट रहता है, जो ट्रांसमिशन का बोल्ट रहता है जो इंजन के साथ अटैच होता है, जो जॉइंट रहता है, इन बोल्ट्स को खोलना पड़ेगा। तो
अभी जो हम लोगों का शिफ्ट केबल है इसको अलग कर रहा है, और इसके बाद जो गियरबॉक्स माउंटेड रहता है इसको खोलेंगे, और इसके बाद जो ट्रांसमिशन है इसको नीचे डाउन करेंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोगों का ट्रांसमिशन फाइनली डाउन हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो हम लोगों का ड्रिक्स बंद हुआ था इसका, आप ये देख सकते हैं पूरा डिक्स इसका जल गया। तो इसमें जो प्रॉब्लम था ये कस्टमर से, ये जो ये डिक्स बर्न हुआ है ये कस्टमर का गलती की वजह से ये बर्न हुआ है। तो मैनुअल ट्रांसमिशन को चलाने के लिए एक तरीका रहता है, अगर इसी तरीके से आप नहीं चलाएंगे तो ऐसे प्रॉब्लम आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्या कंडीशन है, जो प्रेशर प्लेट का ऊपर पूरा लगा हुआ है। अभी हम लोग जो डिस्क है इसको डाउन करेंगे, उसके बाद इसका कंडीशन चेक करेंगे। नीचे हम लोगों का उतर गया है, देखिए इसका क्लच डिस्क जो मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में बोला था जो डाउट था, तो इसे अभी हम लोग क्लीन करेंगे, और क्लीन करने के बाद इसको जो हम लोगों का नया पार्ट से इसको फिटिंग करके जो ट्रांसमिशन है इसको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो रिलीज स्लिप सिलेंडर रहता है इसको भी चेंज कर दिया, और इसका टॉर्क रहेगा 26 स्लिप सिलेंडर का। जो इसका फ्लाईव्हील है इसको अच्छा से स्प्रे मार के इसको क्लीन करके, उसके बाद रेगमार मार के इसको, इस पर आपको नया पार्ट इंस्टॉल कर देना है। तो सभी घरे में जो ट्रांसमिशन मैनुअल ट्रांसमिशन डाउन करने का जो तरीका रहता है सेम, वैसे इसमें भी सेम तरीका है। तो यहाँ पे नया डिस्क का ऊपर कुछ ऑयली लगा हुआ है, तो इसको पहले क्लीन करना है, और इसके बाद जो नया क्लच प्लेट और डिस्क है इसको फिटिंग करना है। तो यहाँ पे अभी नया पार्ट लगने जा रहा है। और इसमें जो प्रेशर प्लेट का जो बोल्ट रहेगा 12 नंबर का, इसका टाइटेनिंग टॉर्क है 22 न्यूटन मीटर है। इसमें प्रॉपर टॉर्क देके इसको लगाना है। इसके बाद डिस्क का जो सेंटर रहता है टॉप शॉप का, ये भी आप लोगों को मैच करके आपको फिटिंग करना है। देखिए ऐसे होल को मैच किया जाता है। तो इसके लिए अलग से स्पेशल टूल्स आता है, तो स्पेशल टूल्स हम लोगों का पास नहीं था, तो हम लोगों ने ऐसे इसको सेंटराइज किया है। तो वीडियो हम लोगों का ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसके वजह से जो फिटिंग का पूरा प्रोसीजर था ये हम लोगों ने वीडियो में शेयर नहीं किया। तो प्रॉब्लम आप लोग देख सकते हैं इसमें जो वीडियो में आप लोगों को दिखाया गया है, और इसमें जो क्लच प्लेट रहता है इसमें कैसे बर्न हुआ है, ये तो पूरा जल गया था इसका। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो ये क्लच प्लेट ज़्यादातर कस्टमर्स के वजह से या जो नया ड्राइविंग सीख रहे, तो इन लोगों का वजह से भी ये मैनुअल जो ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम ज़्यादातर ये दिखने को मिलता है, जो क्लच प्लेट है या क्लच डिस्क है ये बर्न हो जाता है।
तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये किस रीजन से ये प्रॉब्लम्स आता है। तो चलिए इसको देखते हैं पहले। तो जिस गाड़ी का प्रॉब्लम था हम लोगों का, ये गाड़ी हम लोगों ने कस्टमर को डिलीवर कर दिया था। तो अभी मेरे पास ये दूसरा गाड़ी है मैनुअल ट्रांसमिशन। तो इसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा क्या गलती होने के वजह से जो आपका क्लच सिस्टम ख़राब होता है। तो देखिए गाड़ी मेरा स्टार्ट है, आरपीएम में भी आप देख सकते हैं। तो पहले हम लोगों को गियर लगाने के शिफ्ट करने के लिए हम लोगों को पहले जो क्लच पेडल है इसको प्रेस करना पड़ता है। तो प्रेस करने के बाद हम लोगों को जो शिफ्टर है इसमें हम लोग जो 5 सेकंड टार्ड है ये हम लोग शिफ्ट करते हैं, जैसे मैन्युअली सब लोग सभी कारों में होता है। तो ज़्यादातर कस्टमर्स क्या करते, इसमें जब प्रेस किया फर्स्ट गियर लगाया और लगाने के बाद जब गाड़ी चल रहा है आपका 2, 3 या 4 नंबर गियर पे आपका गाड़ी चल रहा है, तब कस्टमर को क्या करना चाहिए, ये क्लच पेडल से पैर हटा के आपको यहाँ पे आपको एक जगह दिख रहा है पैर रखने के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पैर रखना चाहिए। आपको क्लच कब यूज़ करना है, जब आप कार को गियर को शिफ्ट करेंगे तब आपको क्लच को यूज़ करना है, और जब आपको गाड़ी स्लो करना है या आप किसी भीड़ भाड़ जगह में गए हो तो आप इस क्लच को यूज़ कर सकते हो। तो अगर इस क्लच को यूज़ करना पड़ता है आप लोगों को तो यहाँ से पैर हटा के साइड पे रखना है, या ज़रूरत पड़ता है तो पूरा फुल क्लच कीजिए, ऐसे हाफ क्लच करके मत रखिए। अगर ऐसे करेंगे तो आपका जो क्लच डिस्क और प्रेशर प्लेट रहता है इस पर इफेक्ट होता है। तो दूसरा गलती क्या है, इस पे जब रनिंग पे चल रहा है गाड़ी तो गियर चेंज करने के बाद जैसे 4 नंबर या 5 नंबर गियर चेंज किया उसके बाद यहाँ पे पैर रख देते, तो ये बहुत ख़राब चीज़ है, ऐसे पैर रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हाइड्रोलिक रहता है, जो पावर रहता है, जो पहले का तो केबल सिस्टम था अभी पावर हो गया, तो इस पर अगर थोड़ा भी पैर रहता है तो आपका जो क्लच है ये हाफ क्लच हो जाएगा, तो इसमें भी आपका क्लच प्लेट ख़राब हो सकता है। और नया ड्राइवर जैसे कोई गाड़ी चलाना सीख रहा तो हाफ क्लच करके अगर देखो गाड़ी में ज़्यादा एक्सलेट कर रहे तो इस कंडीशन में भी आपका क्लच सिस्टम ख़राब हो सकता है। तो ये जो क्लच ख़राब होने का जो रीज़न रहता है ये मैंने आप लोगों को दिखाया। तो मैंने जो प्रोसीजर आप लोगों को दिखाया इसी प्रोसीजर को यूज़ करके अगर आप गाड़ी को ड्राइविंग करते हैं तो आपका जो क्लच प्लेट है ये लॉन्ग टाइम आपका गाड़ी पे रहेगा, ये ख़राब नहीं होगा जल्दी। तो इस प्रोसीजर को यूज़ करके आप गाड़ी को ड्राइविंग कीजिए। तो अगर टेक्नीशियंस ये वीडियो देख रहे हैं जो नया टेक्नीशियंस है तो इनके लिए भी ये फ़ायदेमंद रहेगा ये वीडियो, क्योंकि आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप भी दूसरे को बता सकते हैं किस प्रोसीजर को यूज़ करके आप जो रूल्स रहता है इस रूल्स को फॉलो करके आप गाड़ी को चलाइए, ऐसे आप कस्टमर्स या दूसरे लोगों को आप ये एडवाइस दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर यह वीडियो देख के आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।